हम कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले जो हमारे फेडरेशन के लिए, हमारे समाज के लिए जो बहुत महत्वपूर्ण बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमको कॉन्स्टिट्यूशन दिया, भारत का संविधान जो हमको दिया, उसी संविधान के रहते हुए सभी सरकारें प्रजा के लिए पॉलिसियां बनाती हैं, उस पर अमल करती हैं। और पिछले 70 वर्षों से इस संविधान, बाबा साहब के बनाए हुए संविधान पर चलकर हमारे देश ने बहुत ही तरक्की की है, तो इसलिए संविधान हमको बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम कार्यक्रम का शुभारंभ इस बार हम जो संविधान का प्रेम्बल है उसे हम पढ़ेंगे, सभी सामूहिक रूप से पढ़ेंगे। पहले मैं हिंदी में पढ़ूंगा प्रेम्बल, उसके बाद आप मेरे साथ पीछे पीछे बोलेंगे, उसके बाद अंग्रेजी में भी पढ़ेंगे। राव साहब प्रेम्बल अंग्रेजी में पढ़ेंगे, उनके पीछे पीछे आपको बोलना है। तो सर्वप्रथम मैं हिंदी में बोलूँगा, आप मेरे पीछे बोलेंगे। इसके लिए आप सब लोग खड़े हो जाएंगे और दाहिना हाथ आगे रखेंगे इस प्रकार से। हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए आज हम संकल्प लेते हैं कि हम संविधान में पूर्ण विश्वास करते हैं और इस संविधान पर चलने का प्रयास करेंगे तथा दूसरों के लिए भी इस संविधान पर चलने के लिए प्रेरित करेंगे। जय संविधान, जय संविधान, जय संविधान। अभी मैं राव साहब से निवेदन करूंगा कि वो अंग्रेजी में रीडिंग करेंगे प्रेम्बल के लिए। पीछे द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रेम्बल, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी हैव सोलेमन लेक सो रिजोल्व टू कॉन्स्टिट्यूट India into a sovereign and socialist and secular democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political liberty of the throughout experience, belief, faith and worship, equality of status and opportunity and the promote among them all, fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our constitution assembly this 26th day of November 1949 to hereby adopt, enlarge it and give to ourselves this constitution. Thank you very much.
संविधान अपनी राष्ट्रीय भाषा और अंग्रेजी के माध्यम से हमने प्रेम्बल को याद किया और हमने ओथ लिया कि इस संविधान को हम इम्प्लीमेंट कराने के लिए हर प्रयत्न करेगी। समय समय पर सेवा स्तंभ के अपनी सभी ब्रांचेज की ये ड्यूटी है कि अपने अपने स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट में संविधान का कहीं वायोलेशन ना हो, सरकारें इसको इम्प्लीमेंटेशन करें, इसके लिए हम प्रयास करेंगे। ये हमारी फर्स्ट ड्यूटी है, ये प्राइम ड्यूटी है कि हम संविधान पर चल करके हम अपने समाज का भला कर सकते हैं, भारत के नागरिकों का भला कर सकते हैं, तो इस संविधान को हमें इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रयास करना है। तो साथियों, अभी मैं निवेदन करना चाहूँगा हमारे नेशनल सेक्रेटरी जनरल भंडारी साहब से, मैं निवेदन करूँगा कि अपने गत वर्ष की जो अक्टूबर 2022 जो हमारा डिसीजन लिए गए थे उसके बारे में क्या हमारे इम्प्लीमेंटेशन किए गए हैं और क्या करना बाकी है और उन्हें पूरा करने के लिए क्या करना है, तो मैं सेक्रेटरी जनरल आयुष्मान ML भंडारी साहब से निवेदन करूँगा कि वो डाइज पर आएँ। हमारे लिए जो हैं आदर्श हैं, उनसे ही हमने सीखा है, उनकी छत्र छाया में अनाउंसर तो केवल एक मंच पे माइक बुलाने का काम करता है, बाकी तो उन्हें सब बताना है कि आपके लिए क्या निर्देश देना है। तो थैंक यू। सबसे पहले फिर बाबा साहब को नमन करता हूँ, संजय जी को नमन करता हूँ और जो सामने बुद्ध साहब का लगा है मैं उनको भी नमन करता हूँ और आप सबको धन्यवाद देता हूँ और आपका स्वागत भी करता हूँ कि आप जो कुछ आपके दिल में है, कुछ करने की तमन्ना है लेकिन कुछ मार्ग मिलने का बाकी है। मार्ग मिलेगा काम होगा और नहीं मिलेगा तो काम ठप होगा, मैं ऐसा समझता हूँ। मैं कुछ यह बताना चाहता हूँ कि ये कंसेप्ट बताना चाहता हूँ कि ये सेवा तप का कंसेप्ट क्या है, क्यों जो है सेवा तप बना, क्यों जरूरत पड़ी सेवा तप की बनाने की। तो मैं एक बात कहूँगा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक ही बात कहा था, वे बैक टू दी सोसाइटी, हम लोग आगे आए हैं और हमारा समाज अभी पिछड़ा हुआ है, लोगों को रोजगार नहीं है, कुछ नहीं है और संविधान के अनुसार जो कुछ मिलना चाहिए मिला नहीं है। तो बाबा साहब ने एक बात कहा था कि मैं समझता हूँ कि जब तक हमारे जो फेडरेशन के पैट पर लिखा हुआ है ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट ट्राइब्स बैकवर्ड्स एंड माइनॉरिटी, तो बाबा साहब ने अपनी स्पीच में कहा था कि माइनॉरिटी कौन है, ये भी उनके अनुसार शूद्र है और ये बैकवर्ड क्या है वो भी शूद्र है और ये माइनॉरिटी के लोग जो है शूद्र जातियों से जो ब्राह्मण बात कहता था उनसे, उनके दुख से, उनकी यात्राओं से, उनकी परेशानियों से तंग आके कोई क्रिश्चियन बन गया, कोई मुसलमान बन गया, लेकिन ओरिजिनली दे आर जो है शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब्स। तो ये जो है बैकवर्ड्स का भी यही हालत था, उसकी हालत भी जो ना ख़राब थी लेकिन उनको एक कास्ट के वजह से थोड़ा सा ऊंचा। तालियों से स्वागत करेंगे सब लोग, तालियां बजा के स्वागत करें हमारे आज के प्रोग्राम के अध्यक्ष आयुष्मान रवि साहब हमारे बीच आ चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सर, स्वागत है आपका, वेलकम। स्पेशल गेस्ट आयुष्मान OP गौतम साहब भी हमारे बीच आ गए हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि मंच पर पधारें। गौतम साहब ऑल इंडिया रेडियो से, मैडम नीलम बौद्ध से मैं निवेदन करूंगा कि वो हमारे आज की गेस्ट ऑफ ऑनर हैं, तो आप भी मंच पर पधारें। द फर्स्ट डे शिवस्तम एनुअल मीट, द प्रेसिडेंट ऑफ द डे, President All India Federation of Civil Caste Tribes Backwards and Minorities Employees Welfare Association, Shevastam
के नागेश्वर राव द प्रेसिडेंट ऑफ द डे। और आज के इस कार्यक्रम के हमारे मुख्य आकर्षण, हमारे साथ जो मंचासीन हैं बैठे हैं, आज के मुख्य अतिथि श्री जी रवि जी बाबू, रवि बाबू जी सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिटायर्ड ऑफिसर। एंड आई रिक्वेस्ट श्री नागेश्वर सर टू वेलकम दिस जीनियस विद फ्लावर्स। पांचलि देकर स्वागत कर रहे हैं रवि जी, रिटायर्ड आईएएस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर अतिथियों, मैं एक ऐसे व्यक्तित्व से मिलाऊंगा आपको कि बहुत ही कम उम्र में, जस्ट 30+ की उम्र है, एवं इस उम्र में इस लड़की ने 3-3 न्यूज चैनल, सरप्राइजिंग NB न्यूज, धमपत इंडिया न्यूज, धमपत क्रांति, और सबसे बड़ी बात है कि धमपत ट्रस्ट को लेकर ये एक मिशन चलाने वाली है, 5,00,000 पंचशील ध्वजा पताका लहराने वाली है। इस लड़की को हमारे तरफ से भी, एक लड़की है हमारी जो पूरा ऑफिस संभाल रही है गीतांजलि, उसे फूल देकर स्वागत करेगी। स्वागत करते हैं गेस्ट ऑफ ऑनर नीलम बौद्ध को। तो आज का ये दिन मीडिया का दिन है, क्योंकि सेवास्तम आज मीडिया का ऋणी हो गया है, क्योंकि अब मैं जिसके बारे में आपको कहने जा रहा हूँ वो कोई व्यक्तित्व नहीं बल्कि अपने आप में एक अनुष्ठान है, एन इंस्टीट्यूशन इटसेल्फ। ओपी गौतम सर, नेशनल प्रेसिडेंट ऑल इंडिया रेडियो एंड दूरदर्शन, वेलकम सर। SC ST एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से हैं। मैं चाहता हूं कि इन्हें भी हमारे प्रेसिडेंट राव सर फूल देकर स्वागत करें। मीना सर, राव सर जी मिलकर इन्हें स्वागत किया जाए। वेलकम गौतम सर। हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर HL हरित, हरित सर जो भी सेवास्तम से अभी जुड़े हैं, या मैं सोचता हूँ यहाँ पर जो भी है, उनके लिए आपका परिचय कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि सेवास्तम है, क्योंकि आप लोग हैं। HL हरीश सर को हम स्वागत करते हैं। हमारे साथ सेक्रेटरी जनरल सेवास्तम ML भंडारी सर, आपने भी हरीश सर के साथ मिलकर, आप तो पुरानी टीम हो, इस सेवास्तम को यहाँ तक लाके खड़ा किया है, आपको सेवास्तम सैल्यूट करती है सर। हमारे साथ मंचासीन है MS मीना मुकुट सिंह मीना जी, क्योंकि हम कहते हैं ना कभी कभी 24/7, मैं भी कहना चाहूँगा MS मीना 24/7 सेवास्तम। तो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा हमारे तरफ से हमारे भास्कर जी त्रिनेत्र सर, वो आकर एक छोटा सा एक स्वागत संभाषण, एक मिनट का वेलकम स्पीच, उसके बाद हम इसे आगे लेकर जाएंगे, क्योंकि अतिथियों को वेलकम करने के बाद ही कुछ काम कराया जाता है, हम जो पुष्पांजलि प्रदान करेंगे वेलकम करने के बाद। आइए सर। सेवास्तम केंद्र कार्यकारिणी कौड़बाग दिल्ली की ओर से हमारे मंच पर उपस्थित तो चीफ गेस्ट आयुष्मान रवि साहब, रिटायर IAS आंध्र प्रदेश, जो हमारे बीच बहुमोल समय निकाल के आए हैं, उनका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आयुष्मान OP गौतम साहब, जो ऑल इंडिया रेडियो एंड दूरदर्शन, जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया फेडरेशन SC ST एम्प्लॉयज के, उनका भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं। और जो आज हमारे कार्यक्रम को सुबह से ही कवर कर रही हैं NB न्यूज चैनल की चीफ एडिटर मैडम नीलम बौद्ध जी, उनका भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं। और सभी हमारे जो ऑफिस के जो पदाधिकारी हैं, जो मंच पर आसीन हैं, जो हमारी सेवा स्तंभ को आगे ले जा रहे हैं,
उनको भी हम स्वागत करते हैं। तो पुनः आप सभी का सेवा स्तंभ की टीम की ओर से हार्दिक स्वागत है, धन्यवाद। और साथ में जैसा कहा कि जो हमारा मीडिया नीलम बोध जी और साथ दे रहे हैं उनके पति एडवोकेट प्रकाश जी, उनका भी धन्यवाद। तो मैडम हमारी पूरा भारत में घूमती हैं, तो जब भी आपको कोई कार्यक्रम कवर कराना हो, कोई महिलाओं के लिए मोटिवेट कराना हो, तो एनवी न्यूज़ के लिए याद कीजिए। पुनः आप सभी का स्वागत है। अरे ये तो बहुत इंटरेस्टिंग बात है भाई, मैं अभी जान रहा हूँ। बहुत मैंने हस्बैंड वाइफ दोनों ही, तो ये जो है न्यूज़ दंपति के लिए थोड़ा तालियां हो जाए। थैंक यू। नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल द डिग्निटरीज ऑन द डायस टू प्लीज कम ऑन टू द, अब मैं अनुरोध करूँगा हमारे सभी मंचासीन अतिथि कृपया डी संजीवैया के फोटो चित्र में और भारत रत्न बी आर अम्बेडकर के फोटो चित्र में पुष्पांजलि अर्पित कर अनुष्ठानिक प्रारंभ करेंगे इस कार्यक्रम का। आइए सर। There is a delegation on behalf of Shivastambha. We would like to thank them, especially Sri Ranjit Ji, the President Tripura Shivastambha, Revati Sir, Vidyavati Ma'am, Sujata Ma'am, and Jayashree Ma'am. आप सभी त्रिपुरा से आए हैं दिल्ली, आपका विशेष संवर्धना है हमारे मंचासीन अतिथियों के लिए, हम उन्हें सहर्ष स्वीकार करते हैं। मैं अनुरोध करूंगा कि हमारे अतिथि खड़े होकर उनका संवर्धना स्वीकार करें। फोटो भाई लेते रहना। थैंक यू त्रिपुरा। आप लोग सब लोग जो है आज जो है शांति से सुन लिया। और दूसरा देखिए, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, जितना मेरे से हुआ है मैंने 3 गेस्ट लोगों को रिक्वेस्ट किया अपनी तरफ से, उन्होंने फॉरन जो है उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। इसी वजह से आज उनके संदेश का मुताबिक आपने देखा है कि हमारा सेवा स्तंभ जो है कितना बढ़ोतरी हो रही है। दूसरा, मैं आपको असली आज जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के ऊपर जो है अभी वीआईपी लोग जो है दूसरे चरण पे आई हुई है। सवेरे हमारा जो लेआउट है, हमारा जो आज का एजेंडा है उसमें आपने गौर नहीं किया था, वो ये है। मैं सुन रहा हूँ हर आदमी, हर मेंबर, हर रिप्रेजेंटेटिव वो यही बोल रहा है भाई ऐसा है कि अभी बड़े बढ़ोतरी होने चाहिए और हेडक्वार्टर ऐसे काम करना चाहिए, ऐसे काम करना चाहिए करके उसी को चीज़ को रिपीट कर रहे हैं। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, हेडक्वार्टर जो हमारे समय पे मैंने जो काम किया, मैंने भंडारी साहब ने और हमारे जो टीम है मीना जी, हम लोग तीनों जो मिलकर के हमने जो किया है, करोने के बाद बिल्कुल जो है शटडाउन हो चुकी है सेवा स्तंभ, बिल्कुल शटडाउन हो चुकी है। उसके बाद हमें खुद ही डर लगे, प्लीज़ डोंट डिस्कस। उसके बाद हमें चिंता हुई है, मैं रियली आपको जो है जो प्रैक्टिकल बता रहा हूँ,
उस जिनकी उसकी ड्यूरेशन में मुझे चिंता हुई है, यह बिल्डिंग खाली पड़ी हुई है, कोरोना का टाइम पे भी और कोई काम नहीं हो रहा है, और यह बिल्डिंग जो है कोई ना कोई आप पे करेगा, क्योंकि आजकल जो है आप देख रहे हो, जो कि मैं अप्रिशिएट करता हूँ कर्नाटक स्टेट को, जो कि कर्नाटक में जब जो है लॉन्ग टाइम के बाद जो है जब कांग्रेस आई है, हमारे जो दलित पीड़ित वर्ग लोग जो है थोड़ा सांस ले लिया था। अदरवाइज भाई आपके पास जो है एक सामने एक क्वेश्चन डाल रहा हूँ, यू हैव टू थिंक योर सेल्फ, वो ये है अगर कर्नाटक में कांग्रेस नहीं आती है, हमारे जो सपना है जो गरीबों का है वो जो है अभी तक जो है कोई भी जो है बोलने के लिए भी खतरा हो गया, कई भी जो है अगर हम लोग जो है कई जो है कोई मीटिंग रखते हैं, कोई डिस्कशन करते हैं, कोई गरीब गरीब के बारे में अत्याचार हुई है, उनकी बेटी बहनों को जलाया है, करप्शन आप खुद ही देख रहे हो देश के अंदर क्या हो रहा है, हम और आप आकर के दिल्ली में बैठ करके सुन करके चले जाते हैं, जो रूरल में जा करके आप देखिए उन लोगों की क्या हालत है, अगर कोई कुछ बोल देता है तो उनको बोलता है कि देशी द्रोही वाला में डाल दो अंदर कर दो, उठना नहीं चाहिए। तो साथियों मैंने चार्ज देने के बाद मैंने जितने भी इस फेडरेशन के लिए मैंने जो काम किया है पूरा गवर्नमेंट का जितने भी ड्यूस है मैंने पेमेंट किया था, क्यों हमारा हेडक्वार्टर के सहयोग से हमने उसको परसू किया, मिनिस्ट्री से मैंने परसू किया, LIC से परसू किया, सारे जो है जितने भी है वो सारे जो है मैंने ड्यूस दिया, और जब से कोरोना का ड्यूरेशन में सैलरी नहीं मिली थी स्टाफ को मैंने सैलरी दिलाया था, उसके बाद इस बिल्डिंग जो है गिरने वाला था, फिर मैंने सोचा उस जमाने में जो संगीत राव जी रात को जो है 12:30 बजे तक रेत के अंदर जो है यहाँ सोता था, यहाँ देवनगर में जो है मैं उनके नया नया शादी होकर के मैं दामाद बन करके आया था, मैंने देखा है घर के अंदर संगीत राव साहब कहाँ हैं, 12:30 बज गया, वो लोग बोलता था मुझे अरे आप तो नया नया शादी करके आया हो, मगर वो साहब जो है रेत के पास बैठा हुआ है, क्योंकि वो बिल्डिंग का काम करवा रहा है, क्योंकि वो इंडियन इकोनॉमिक्स का होते हुए बेचारा जो एक लुंगी पहन करके जो है 12:30 बजे के यहाँ होता था, मैं आके उनको लेके जाता था रोटी खाओ, सवेरे 7 बजे उठता था अखबार पढ़ता था, अखबार पढ़ने के बाद उन्होंने देखा है कि आज ये आर्टिकल निकली है हमारे ऊपर, सीधा जिस मिनिस्ट्री के अंदर जो सेक्रेटरी है उनके पास पहुंचता था, वो बोलता था कि तूने क्या किया, ये क्या निकलवाया, तो यही है तुम्हारा को जो है ये सीट नहीं मिली है, इसी ढंग से वो बात करता था। आज जो है ये बिल्डिंग अगर बनी है, साथियों हर आदमी बोल देता है मैंने ये बना दिया और मैंने ये कर दिया, मगर मैंने जो काम किया, ये लोग कहाँ से आ गया, जिसने जो है निभाया संगीत राव जी वो सारे दुनिया जानती है, ये लोग कहाँ से आ गया, कहाँ से बनाया ये लोग। तो इसलिए साथियों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, एजेंडा में ये दिया हुआ है, अभी अभी नया जो है डिस्ट्रिक्ट बनाने के प्रोविजन रखा है गवर्नमेंट ने, आपने हर जगह पे जा करके आप अपना यूनिट्स को बढ़ाइए, डिस्ट्रिक्ट यूनिट्स को बढ़ाइए, और दूसरी बात है कि आपकी जो कंप्लाइंस रिपोर्ट आपकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट जब तक हेडक्वार्टर को नहीं भेजेगा आप क्या काम कर रहे हो किसको पता लगेगा, इधर आकर के सिर्फ यही बोलेंगे हेडक्वार्टर क्या किया, हेडक्वार्टर क्या किया, 2 दिन आप आओगे चले जाओगे, ऐसा नहीं, आपका अपना रिपोर्ट भेज दीजिए, जहाँ पे इलेक्शंस नहीं हुआ स्टेट का वो लॉन्ग हो गया, वो जो पुराना आदमी है वो कुछ काम नहीं कर रहा है, रिमूव हिम इमिडिएटली, और दूसरा आप प्रेसिडेंट को इलेक्ट करिए तभी तो हमारे प्रोग्रेस बनेगी। तो मैं जो है ज़्यादा नहीं लेता हूँ, कल जो है हमारा जो है दूसरा दिन का मीटिंग है, कल जनरल में आपसे सबका डिस्कशन लेंगे, सब कुछ करेंगे, प्लान बनाएंगे, इसी मुताबिक आज रात को
जैसे दोपहर को आपने गरम गरम जो है पूरी खा लिया, ऐसे जो है शाम को भी खा लीजिए। सोचिए कल सवेरे जो है फिर 10 बजे जो है आकर के अपने संदेश दीजिए, अपना गाइडलाइंस दे दीजिए। यू मस्ट डू योर वर्क, वी विल डू आवर वर्क। ये कॉम्बिनेशन के ऊपर काम होता है। और सबसे बड़ी एक बात है कि मुझे खुशी इसी बात का हुई है, ये जो हमारी जो टीम है, टीम में है, मैं अहमदाबाद से, हमारे TR भास्कर जी और हमारा जो है राजपुर रंग, ये जो राष्ट्रपति मैडम का डिस्ट्रिक्ट से आया है विजय राम जी। अरे विजय राम जी, विजय राम जी, मैं आपके बारे में बात कर रहा हूँ। ये जो है विजय राम जी और TR भास्कर जी, इन्होंने दोनों के कॉम्बिनेशन में मैंने सोचा अभी तक तो ऐसा चल रहा है, दिल्ली वाला ही कर रहा है, हंगामा होते जा रहे हैं। इस बार जो है मैंने थोड़ा सा टीम चेकआउट करके इन दोनों को जो है थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया। मैं इन दोनों को थैंक्स करता हूँ कि अच्छे कॉम्बिनेशन में जो है इन लोगों ने परफॉर्म किया। आप लोगों की सहयोग से पीसफुल्ली मीटिंग चली है और मेरे से जितना हो सकता है कि तीन, एक जो है डी राजा को जो है मैंने टेलीफोन में ही बोला है, सिर्फ सर बात है, ऐसा बात है, मीटिंग है, आपको आना पड़ेगा। मैं सेवास्तम को बोल नहीं सकता हूँ, मैं किसी हालत में भी आऊँगा, टेलीफोन में भी मेरे को ग्रीन सिग्नल मिल गया। उसके बाद सडनली वहाँ पे तमिलनाडु में उनको जो है मीटिंग सडनली रखा गया वहाँ 3 दिन के लिए, इसलिए उनको जाना पड़ा। तो साथियों, इसलिए आप लोगों को सहयोग जो है बहुत ज़रूरी है। हेडक्वार्टर का भी जो है आपका सहयोग चाहिए, हमारा सहयोग आपको चाहिए। आप अपना ड्यूटी करिए, हम अपना ड्यूटी करेंगे, फेडरेशन को आगे बढ़िए। कल सवेरे फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। आप सबको धन्यवाद, नमस्कार।